हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजू सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मॉड्यूल्स का दैनिक टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक दिखाने वाला हूं ग्राफ्टिंग के ऊपर। तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या चाहिए? दो बीज से तैयार हुआ प्लांट चाहिए, जो ये है। ये बीज से तैयार हुआ प्लांट है और दो मदर प्लांट की ब्रांच होना चाहिए, जो ये है। ये ब्लैक मैंगो है फ्रेंड्स। ये आप ब्रांच देख के आपको शायद पता चल गया होगा, ये जो ब्लैक मैंगो होता है उसका ब्रांच है। मेरे पास एक मदर प्लांट है, उसी से मैंने इसको काट के ले आया हूँ। तो इसको ही मैं ग्राफ करूँगा। और ये जो दो बीज से तैयार हुआ प्लांट है, इसको मैं एक करूँगा और उसके बाद इसके जो दो हिस्से होंगे वो इस पर मैं ग्राफ करूँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये बहुत ही इजी ग्राफ्टिंग है। और वीडियो के लास्ट में मैं एक सक्सेस रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने पहले से करके रखा था। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले इसको ऐसे यहाँ से काट दूंगा और इसके जो पत्ते हैं वो भी मैं काट दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जॉइन कर देंगे। और कैसे करते हैं आप देखिए। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऐसे इसको कट लगा दूंगा। और अब मैं इसको यहां से बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लेड है वो बहुत ही तेज है। ये हो गया आपने। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और उससे पहले इस ब्रांच को मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे चिल दूंगा ताकि जोर जो है वो अच्छी तरह से जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो जैसे मैंने जोड़ा था, ये कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख सकते हो। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से ग्राफ्टिंग टेप से बांध। और अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप अवेलेबल नहीं है तो आप कोई साधारण पॉलीबैग काट के भी ऐसे कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें ग्राफ्टिंग टेप ही चाहिए। मैंने बांध दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर दो ब्रांच लगाऊंगा। तो इसके लिए हमें मैं ये जो दो ब्रांच है इस पर मैं ऐसे ग्राफ करूंगा। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्योंकि दोनों जो टहनी है, दोनों टहनी की मोटाई सेम होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी बात होती है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको मैं ऐसे 20 से भर देता हूँ थोड़ा सा, बस इतना सा, और इसको भी बस इतना सा ही मैं फाल दूंगा, लेकिन नीचे का हिस्सा मैं थोड़ा सा काट लेता हूँ इसे ऐसे। और फ्रेंड्स एक और बात, जब भी आप ग्राफ करें, ग्राफ करने के लिए जो ब्रांच आप सेलेक्ट करें वो ब्रांच हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी ग्राफ्ट सक्सेस होगा। और जिस साकू से आप ग्राफ कर रहे हो वो साकू भी बहुत ही साफ होना चाहिए, तभी आपकी जो ग्राफ्ट है वो सक्सेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी तरह से मैं इस पर भी ग्राफ कर दूंगा। तो सबसे पहले इसको भी ऐसे ही कट लगा दूंगा और ये मैंने कट लगा दिया है फ्रेंड्स, थ्री साइज का कट लगा दिया है। अब मैं इस पर भी लगाऊंगा। तो अब मैं इसको बस ये आप देख सकते हो मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको ग्राफ्टिंग टेप से बांध लेता हूँ ताकि इसका जो जोड़ है उसके अंदर हवा ना जा सके, क्योंकि अगर हवा चला गया तो जो ग्राफ्ट हमने लगाया है, जो ब्रांच हमने लगाया है वो सूख जाएगा। और बहुत टाइट नहीं बांधना है हमें, बहुत ही हल्का सा बांधना है ताकि प्लांट जो है वो जुड़ा रहे और जो ब्रांच मैंने लगाया है उसके अंदर हवा ना जा सके, बस इतना सा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर हम कस के बांधेंगे तो कभी कभी बांधने की वजह से भी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती, ज़्यादातर ग्राफ्टिंग बांधने की वजह से भी सक्सेस नहीं होती। तो अभी आप देख सकते हो नीचे का जो हिस्सा है वो दो है, बाद में एक हो जाएंगे, ये जो मैंने ग्राफ किया था ये बाद में एक हो जाएंगे, और ऊपर में ये जो दो ब्रांच है इन दोनों ब्रांच पर फलाना शुरू हो जाएंगे एक साल के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको इस कोकोपीट में ऐसे लगा के रख दूँगा। बस इसी तरह से इसको मैं ऐसे लगा के रख दूँगा। और उसके बाद मैं इस पर प्लास्टिक की पॉलीबैग से कवर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस पर थोड़ी सी ये जो साफ फंगिसाइड होता है पानी में मिला के मैं इस पर ऐड कर दूंगा, ताकि जो रूट बाहर था उस पर फंगस ना लगे, बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं। हर मैंगो प्लांट पर महीने में एक बार सब फंगिसाइड से स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि मैंगो प्लांट पर फंगस बहुत जल्दी लग जाता है, इससे क्या होता है फंगस दूर हो जाता है, तो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो। कोकोपीट पे मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि कोकोपीट में नमी बनी रहती है, अभी हमारी प्लांट को नमी की ज़रूरत है। अब हम इसको एक महीने के लिए छांव में रख देंगे, अगर हम इसको धूप में रख देंगे तो प्लांट ड्राई हो जाएगा, जो ग्राफ्ट मैंने किया था, जो ब्रांच मैंने लगाया था वो सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स
इसी तरह से मैंने एक और ग्राफ किया था जो एक प्लांट पर किया था। ये है वो प्लांट, आप देख सकते हो, ये वो प्लांट, और इस पर रूट भी आना शुरू हो गया है, शायद आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये रूट आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हो इस पर रूट आना, ये देख सकते हो इस पर रूट आना शुरू हो गया है। इसको मैंने ऐसे ही पॉली बैग में, जो प्लास्टिक का बैग होता है, उस पर कोकोपीट डाल के इस प्लांट को लगाया था, और बाद में मैंने इस पर ग्राफ किया था, ये आप देख सकते हो, बाद में मैंने इस पर ग्राफ किया था, लेकिन इस पर ब्रांच नहीं निकला है अभी तक, लेकिन जो ग्राफ मैंने लगाया है वो अभी तक ग्रीन है। अब मैं इसको आपको खोल कर दिखाता हूँ, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये एक दूसरे से जुड़ गया है, और जो ब्रांच है वो अभी तक ग्रीन है, लेकिन कोई बच इसमें नहीं निकल रहा है, वो बाद में निकल जाएगा जब इसको मैं पॉट में लगा दूंगा। तो अभी जो ग्राफ मैंने किया था वो 100% सक्सेस हो गया है, ये आप देख सकते हो, जो जॉइन है वो जुड़ गया है एक दूसरे से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप भी कर सकते हो, ये बहुत ही इजी टेक्निक है, अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन इसको करने के बाद आपको प्लांट को 1 महीने के लिए ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पर धूप नहीं आती हो, क्योंकि अगर इसको धूप लग गया तो जो ब्रांच हमने लगाया था वो सूख जाएगा, इसीलिए हमें इसको 1 महीने के लिए छांव में रखना होगा, और बहुत ही केयरफुली कीजिए। तो ये बहुत ही आसान ग्राफ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।